देखिए, जब से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है, बहुत अधिक समूह के जो अल्पसंख्यक थे उनको नष्ट किया गया, उनके मंदिरों को नष्ट किया गया है। बहुत बड़ा वहाँ राजस्थान मंदिर था, उसको तोड़ा गया। तो हम लोगों का सबसे जो दुख और चिंता का विषय है कि हर राज्य में कहीं पे भी कोई अपराधी अगर होता है तो मान लिया जाता है कि हिंदू है, उसी को मारो, उसी को काटो, उसी को अराजकता फैलाओ, उसको देश से बाहर निकालो। तो कम से कम जो एक सुरक्षा होनी चाहिए थी भारत सरकार की तरफ से, वो नहीं हुई इतने दिनों में, क्योंकि 5 अगस्त को विदेश मंत्री जी अपने वक्तव्य में उनको सुरक्षित कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, तो अन्य जनता पे भी उनका ध्यान क्यों नहीं केंद्रित हुआ। हम लोग एक कैंडल मार्च रख रहे हैं जो कल 6 बजे से केडीसी बाबू स्टेडियम से प्रारंभ होगा और गांधी प्रतिमा तक जाएंगे, और अधिक संख्या बल रहे इसलिए हम लोगों ने आज पीसी करी है। और एक आह्वान है अन्य जनमानस से कि सब लोग साथ आएं, किसी भी धर्म जाति के हों, क्योंकि अगर सुरक्षा की बात आती है तो हर जाति को साथ में खड़ा होना चाहिए, और हम लोग अगर अधिक संख्या बल में होंगे तभी भारत सरकार में अपने इस आवाज को बुलंद कर पाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री भाग नहीं गए, उनके क्योंकि रिश्तेदार सेना में पोस्ट पर थे, इसलिए बहुत आसानी से उनको वहां से निकाल लिया गया और उनको इस किस्से पर दे दिया गया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें लगता था कि कहीं ये जो उनके पूर्वजों के साथ में घटना हो, ये कहीं दोहराई न जाए, तो उनको तो भारत ने शरण दे दिया। जो प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि अन्य वहाँ के 135 करोड़ जनता परेशान है, समूह के वहाँ के अल्पसंख्यक है, खासकर हिंदू, वो परेशान है, उनको क्यों नहीं सुरक्षित किया गया, इसी पे हम लोग कैंडल मार्च रख रहे हैं कल शाम 6 बजे के डीसी बाबू स्टेडियम से। देखिए, अगर इनको रोका नहीं गया और बहुत जल्दी अगर इनपे कोई निर्णय नहीं आता है, तो मुझे लगता है क्योंकि उनसे सटे हुए बंगला और भूटान भी है, उनपे भी असर आएगा और वो भी सुरक्षा की मांग को लेकर परेशान होंगे। सरकार की तरफ से मुझे, मैंने तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी चिंता करते हुए देखा है, उन्होंने हिंदू एकता का आह्वान भी किया है, परंतु सिर्फ चिंता ही है, अभी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ठोस कार्रवाई करी भी गई। हिंदू अत्यधिक संख्या में जागृत हूँ, कल हम लोग के साथ में कैंडल मार्च में शामिल हो, जिससे हम लोग बुलंद आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं कि जो आपने कहा है ठीक है, परंतु कार्रवाई भी आप अधिक करें, इनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, कैसे अनाधिकृत रूप से जो अन्य लोग हैं वो ना पहुंचे, उनको आप सुरक्षित करिए, ये इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कल ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी। भारत तो सुरक्षित है, हाँ, एक जो सुरक्षात्मक ढांचा होना चाहिए वो अधिक ज्यादा मजबूत होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो हम लोगों के समकक्ष जो विचारधारा के देश हैं, जैसे जापान है, अमेरिका है, उनको भी ये बात समझना चाहिए, और जो एक दबाव होना चाहिए अन्य पे, जैसे पाकिस्तान या चीन, उन पे दबाव बनाए कि जो अभी जो देश असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं तो कहीं और उनको अत्यधिक ये लोग परेशान कर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।